बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर प्रधान लेखाकार प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पाटलिपुत्र की धरती ऐतिहासिक है। यहां चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से अर्थनीति की व्याख्या की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्थ का दुरुपयोग अनर्थ की ओर ले जाता है। हमारा विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ऑडिटर और ऑडिट शब्द लोगों के मन में भय पैदा करता है, इसलिए भय पैदा ना हो ये व्यवस्था करनी है। वहीं विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि वित्तीय गलती ना हो इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। उन्नीसवीं सदी में हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने कहे कि इक्कीसवीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। हम इक्कीसवीं सदी में उपस्थित हैं। 50 वर्ष की दूरी हम बहुत सारे लोग तय कर चुके हैं, लेकिन जो 2/3 आबादी 50 वर्ष की दूरी तय करेगी, उसके मन मस्तिष्क में ये भाव भर दें कि आपको विश्व गुरु बनना है। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कार्य शुरू हुआ, जिसमें जिसको को मान्यता मिली कि 16 नवंबर ही ये ऑडिट दिवस होगा, तो इसकी महत्ता बढ़ गई है। बड़े जब कुछ काम करते हैं तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान होता है, हम लोगों को ज्ञान होता है कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़े और आगे जो रास्ता दिखा रहा है आदमी, उस तरह से हम लोग को काम करना चाहिए। CAG का जो संस्था है वो आज 160 वर्ष से अधिक के अनुभव के साथ काम कर रही है, और मैं अगर प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं जो उन्होंने पिछले सप्ताह CAG ऑफिस में कही थी कि ये एक अनोखी संस्था है, ऐसी संस्थाओं में से एक है जो इतने वर्षों के अनुभव के साथ अपने आप को, जिसने अपनी कार्यप्रणाली को इस प्रकार से मॉडिफाई किया है, अपने कार्यप्रणाली को इस प्रकार से बनाया है कि वो आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हुई है। अर्थ का व्यर्थ अनर्थ की ओर ले जाता है। अनर्थ क्या है? एक्सेस एक्सपेंडिचर, अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर, लेस असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, लेस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एक्स्ट्रा रिफंड्स, तो ये यदि सुव्यवस्थित नहीं होगा और इस पर जो रिपोर्ट बनती है वो उस पर यदि समुचित कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर यह राज्य के वित्त जो है और उसकी जनता के लिए कठिनाइयों का समय होता है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इस दायित्व को पूरा करते हैं।